गाइज अगर हम पूरे वर्ल्ड का डेटा उठा के देखें तो 3 सेकंड बाद किसी ना किसी को ब्लड की जरूरत जरूर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लड डोनेट करने की क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं उनमें बात करेंगे। और आपने कुछ मंथ पहले कोविड में एक प्लाज्मा थेरेपी का नाम भी सुना होगा, तो वो भी मैं इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो से आप काफी कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आप फैक्ट्स फिलोसफी के रेगुलर व्यूअर है तो आपको तो ये पता है कि आखिर ब्लड की जरूरत क्यों होती है, मतलब किस केसेस में ब्लड की जरूरत होती है। अब ये तो सबको ही पता है, तो मैं भी फिर भी बेसिक में ये बताना चाहूंगा कि जैसे कभी किसी के बॉडी में ब्लड की जो फंक्शनिंग होती है वो अच्छे से नहीं होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो भी उसमें रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगर उसकी बॉडी में नहीं पहुंच पा रहे हैं या ऑक्सीजन उसकी बॉडी में नहीं पहुंच पा रही है, तब उसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और कभी एक्सीडेंटल केस में और कभी कभी डिजीज होने में भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। गाइस हम इसी चीज को थोड़ा साइंटिफिक वे में और समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो तो अगर किसी को किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, मतलब उसे एक प्लेटलेट की जरूरत है, मान लीजिए हम प्लेटलेट एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को सिर्फ प्लेटलेट की ही जरूरत है तो वो ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके प्लेटलेट हम उसको दे सकते हैं, तो इस प्रोसेस को एपेरेसिस कहा जाता है। जी हाँ गाइस, इस एपेरेसिस प्रोसेस ने काफी सारे लोगों की जान भी बचाई है। जैसे ये रिक्वायरमेंट होती है जैसे जो कैंसर पेशेंट होते हैं और जो ब्लड डिसऑर्डर जिन्हें होता है उनको ये एपेरेसिस प्रोसेस में रखा जाता है। गाइस अगर मैं इसी को रिलेट करूं कोविड-19 से, आपने प्लाज्मा डोनेशन का नाम जरूर सुना होगा। सो आखिर प्लाज्मा डोनेशन से ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं हुई है, काफी सारे पेशेंट इससे ठीक भी हुए हैं। पर अब मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा कि हमारे ब्लड में 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और बाकी 45% आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर हम सिर्फ प्लाज्मा की कंपोजिशन देखें कि प्लाज्मा किस चीजों से मिलकर बना है, तो प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 7% वाइटल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्बुमिन, गामा ग्लोबुलिंस, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, मिनरल सॉल्ट्स, सुगर, हार्मोन्स, विटामिन्स। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो जैसे ही अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करता है तो उस पर ये न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, मतलब दूसरे आदमी पर भी ये न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि प्लाज्मा के बारे में तो बता रहा हूँ कि पर हमारी बॉडी में प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, प्लाज्मा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है और पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन होते हैं और मसल में पोटेशियम, सोडियम, इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करता है। तो इसी के बेस पर प्लाज्मा थेरेपी को एक सक्सेसफुल रूप में देखा जा रहा था, पर यहाँ पर जब रिसर्च ने बताया कि जो कोविड-19 है वो म्यूटेशन भी काफी तेजी से कर रहा है, तो प्लाज्मा थेरेपी शायद वहां पर काम ना करे, तब उसी के बाद से प्लाज्मा थेरेपी को थोड़ा कम कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट पर ही अप्लाई किया जा सकता है, इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट में भी अप्लाई किया जाता है। जैसे कभी किसी को ब्लड डिसऑर्डर या किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी उसके ब्लड में हो जाती है, तब भी प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो गाइज अब हम यहाँ पर अपने टॉपिक में आते हैं कि आखिर ब्लड डोनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस पे। अब सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो आयरन लेवल होता है वो बहुत सारों की बॉडी में ज्यादा होता रहता है, तो जिसके वजह से जो आयरन होता है वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में एक्युमुलेट होने लगता है, जिसके वजह से वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को इफेक्ट करने लगता है। जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, इनमें जो आयरन लेवल है वो एक्युमुलेट होने लगता है, मतलब जमा होने लगता है, जिसके वजह से वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं तो आयरन लेवल की वहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी कमी तो होती है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टडीज में ये पता चला है कि रेगुलर जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के काफी कम चांसेस होते हैं, मतलब हार्ट डिजीज होने के काफी कम चांसेस होते हैं। अब गाइज ऐसा नहीं कि अगर आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा है तो आप ब्लड डोनेट करोगे तो वहां पर आपको बेनिफिट होगा, नहीं गाइज। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप ब्लड डोनेट डायरेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले तो आपके ब्लड का टेस्ट होता है, जैसे आपका वेट मेजर करना, ब्लड प्रेशर मेजर करना, हीमोग्लोबिन, आयरन लेवल, ये सारी चीजें सबसे पहले मेजर की जाती हैं। देन उसके बाद वायरल मार्कर की बारी आती है, मतलब HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, तो इनकी भी जांच होती है, और फिर जब आपकी ब्लड रिपोर्ट ओके आती है तो तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एडवांटेज भी मिलता है। और सेकंड बड़ी चीज, जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अब मैंने आपको इस बीच ये भी बता दिया कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होते हैं, उनके चांसेस भी काफी कम होते हैं। इसी को देखने के 2009 में एक स्टडी पब्लिश हुई, तो उस पर ही क्लियर मेंशन था कि जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप की डिजीज होने का खतरा काफी कम होता है।
अब गाइस हम ओवरऑल अगर हेल्थ को देखें तो 2007 में जो 1 मिलियन ब्लड डोनर्स थे, मतलब जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था, उनकी हेल्थ को लंबे टाइम तक देखा गया तो उनमें ये पता चला कि इनको 4% कम चांसेस होते हैं कैंसर होने के। और इतना ही नहीं, वो ब्लड डोनेट करने के बाद पहले से ज्यादा हेल्दी फील करते हैं। और इसी चीज को प्रूफ करने के 2015 में भी एक स्टडी पब्लिश की गई, तो उसमें भी ये क्लियर मेंशन था कि उनको डिजीज होने के चांसेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कैंसर होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो यहीं पर से ये ब्लड डोनेशन का जो ट्रेंड है ये निकल के आता है। तो और साइंटिस्ट क्लियर ये कहते हैं कि जो डोनेटिंग ब्लड है, मतलब आप जब डोनेट करते हो तब आपकी बॉडी को उससे काफी ज्यादा फायदे होते हैं। पर अब हम इसके डिसएडवांटेज में अगर बात करें तो अभी तक लॉन्ग टर्म में कोई भी इसके डिसएडवांटेज नहीं देखे गए हैं, बस टेम्परेरी इसके डिसएडवांटेज देखे गए हैं कि जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद आपको चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये चीजें देखी गई हैं। पर ये चीज सब एक टेम्परेरी बेसिस पर ही होती है। और ऐसे ही 48 आवर्स बाद ब्लड जितना भी बॉडी से कम होता है तो बॉडी उसका फुलफिल कर देती है। पर यहाँ पर बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जो एथलीट होते हैं उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर 2019 में इसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक स्टडी और पब्लिश की गई, तो उसमें एक क्लियर मेंशन था कि ऐसा जरूरी नहीं है, एथलीट भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं मिलता है। अब आपको मोस्टली चीज तो ब्लड डोनेशन के बारे में पता चल ही गई है, तो यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप 3 मंथ बाद ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। मतलब अगर आपने आज ब्लड डोनेट किया तो फिर आज से 3 मंथ बाद अपने को टाइम दीजिए। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ बाद ही अपना ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, तो आप अपने को भी टाइम दीजिए। तो गाइस यहाँ पर मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो तेरी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बॉडी उसे काफी जल्दी विद इन 48 आवर्स तक ही अपने पूरे उस ब्लड का फुलफिलमेंट कर देती है। सो गाइस ये वीडियो एक अवेयरनेस के बेस पर बनाई गई थी क्योंकि लोगों के मन में ब्लड डोनेशन के लिए काफी ज्यादा मिथ भी बन गए थे। सो आई होप गाइस अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।